सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली कलदम करार दे दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने 6-1 से फैसला सुनाते हुए सियासतदानों की ताहयात नाअहली को कलदम करार दे दिया। इस फैसले के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन 2024 के इंतखाबात के लिए अहल हो गए हैं। कौमी असम्बली से मंजूर कानून के मुताबिक नाअहली अब 5 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्ला बलोच केस का फैसला ओवर रूल कर दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी की जानिब से फैसले से इख्तलाफ किया गया। फैसले के मुताबिक आर्टिकल 52(1)(f) को आईन से अलग करके अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली का फैसला 5 जनवरी 2024 को महफूज किया था। रिपोर्टर सबा आजमी, इब्रत न्यूज़, कराची।